राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। और आज है करवा चौथ, और करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और मैं 1 बज रहा है, टाइम 1:10 हो गए हैं और मेरा अब तक का सारा काम फिनिश हो गया है। दोपहर का खाना भी बना के रख दिया है मैंने, और लड्डू गोपाल को खिला के सुला दिया है। देखिए सूर्य मोहन और ये बच्चे देखे, तीनों वीर ने खा लिया है, बाकी अभी किसी ने नहीं खाया। लड्डू मोहन ने वीर ने खाया अभी खाना, और बाकी सब अभी आए नहीं खाने के लिए, बना के रख दी इसको, जब खाना होगा खा लेंगे। और मैं होती हूँ आप रेडी, और देखिए मैंने अपना सारा सामान रख लिया है तैयार होने का यहाँ पे। अब मैं होती हूँ तैयार, क्योंकि अब हम तैयार होने के बाद फिर कथा सुनेंगे। दिन में सुनते हैं दोपहर को कथा, फिर शाम को पूजा होती है करवा चौथ की। तो ये रहा मेरा सारा सामान जिससे मुझे तैयार होना है करवा चौथ के लिए। ये मेरी चूड़ियाँ, और ये भी मेरा सिंगार का सारा सामान, ये ब्लाउज पेटीकोट साड़ी। तो मैं अभी होती हूँ रेडी। देखिए मम्मी तैयार होने लग रही है, बाल बनाने लग रही है। कैसी लगी मेरी साड़ी? इसका पल्ला सेट नहीं हो पा रहा मुझसे। ये रहा मम्मी का पूरा, अभी थोड़ा सा रह गया है मेरा मेकअप। बाल बहाने लग रही है फिलहाल मम्मी। ये यहाँ पे मम्मी पहनने लग रही है चुट्टी। तो ये पहन लिए मैंने न्यू नए बिछुए, अनिल पैंट लगाई मैंने, देखी अभी लगाई नहीं। ये है मम्मी की पायल, तो देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, और चाची भी आई है, ये मेरे साथ कथा सुनेगी। चाची देखो, ये हमारी चाची, ये सुनेंगी मेरे साथ कथा। ये पटला बिछा के यहाँ पे करवा चौथ माता की प्रतिमा, और अब हम कथा सुनेंगे। आज राधे, तो हमने करवा चौथ की कथा सुन ली है, और राधिका ने सुनाई है कथा मुझे और चाची को, जो हमारी चाची है, आई थी मेरे हमारे साथ कथा सुनने के लिए। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा पूरा लुक करवा चौथ का। ये झुमके ना मैं पहली बार पहन रही, इतने भारी भारी, तो मुझे बहुत भारी लग रही है कानों में पहने हुए, पर अच्छे लग रहे हैं। तो अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। रात के खाने बना रही हूँ मैं, हलवा पूरी और मिक्स वेज, बस लगते हैं खाने की तैयारी में। और सिर पे ना साड़ी का पल्लू सिर पे बिल्कुल नहीं रुकता, फिसल फिसल जाता है, तो उस पल्लू को मैं ऐसे फ्री छोड़ देती हूँ कि तुम फ्री रहो और मैं काम करती हूँ। तो ये रखी है मिक्स वेज, जिसमें कि गाजर है, गोभी, शिमला मिर्च, मटर, आलू और टमाटर, इन्हें मिलके बनाऊंगी मैं, मिलाकर बनाऊंगी मिक्स वेज। तो काटती हूँ अब सब्जी। ये सब्जी मैंने कट कर ली है मिक्स वेज, और सारी सब्जी एक जगह काट ली है। ये है मटर, और मैं वहाँ पे बनाने लग रही हूँ सब्जी अंगीठी पे। तो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, और बस अब छोंकती हूँ सब्जी। वहाँ पे सब्जी मैंने छोंक दिया है, और सब्जी बनने लग रही है। और यहाँ पे ना बनाने लग रही हूँ अब हलवा, यहाँ गैस पर हलवा बनाऊंगी। ये पहना हुआ है जो खाना बनाते हुए पहनते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये पहन रखा है ताकि छीट ना लगे साड़ी पे। ये मैं पहनती नहीं, ऐसे रखा रहता है, ये आज पहन लिया मैंने। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त है 5:30 से लेकर 6:55 तक है, और टाइम हो रहा है 5:10 हो गए। अब जल्दी से बनाती हूँ मैं अब हलवा, और फिर पूरियाँ बनाऊंगी। ये हलवा मैं सूजी और बेसन मिक्स करके बना रही हूँ। ये बेसन रखा है, तो मैंने बेसन मिलाया था थोड़ा सा, मतलब जितनी सूजी मिलाई मैंने उतना ही बेसन डाला इसमें। तो ये हलवा हमारा बन गया है, और गैस कर देती हूँ ऑफ। देखिए सूजी और बेसन का मिक्स हलवा है, ढक देती हूँ इसे, सब्जी देखती हूँ।
देखिए मेरा पूरा लुक। तो देखिए ये हमारी मिक्स वेज बन गई है और इसको मैं इस भिगोने में करने लग रही हूँ सब्जी को। तो अब कर रही हूँ मैं शाम की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे बस सब्जी हलवा बना लिया है, पूरियां बना के करवा चौथ पूजन करना है। तो देखिए सासू माँ के लिए बायना मैंने निकाल दिया है, ये हलवा सब्जी और पूरियां हैं और बाकी पूरियां मैं बाद में बनाऊंगी जब सब खाना खाएंगे। अभी तो मैंने केवल करवा चौथ पूजन के लिए बनाई है और मैं पूजन करती हूँ करवा चौथ। तो देखिए मैं यहाँ पे करवा चौथ पूजन कर रही हूँ और मैंने धूप दीप जला दिया है और देखिए श्रृंगार का सामान माँ गौरी के लिए है और जो ये मेरा मंगलसूत्र है, अपने मंगलसूत्र का भी पूजन करना चाहिए तो मैंने मंगलसूत्र का पूजन कर लिया है रोली और सिंदूर लगाकर। और ये श्याम को चंद्र पूजन के लिए मैं छलनी है, ये पानी के लिए गिलास और थाली और ये मेरा कलश जो चंद्र को अघ्र दूंगी मैं। और ये मम्मी को बायना देने के लिए कपड़े हैं और ये बायना का जो प्रसाद है मम्मी को दूंगी मैं। तो मम्मी को दे दिया है बायना पूज के और अब मैं बनाने लग रही हूँ सबके लिए पूरियां। खाने के लिए सब आ चुके हैं टाइम पे, उसके बाद बस चंद्र पूजन रह जाएगा। फिर चांद का कर रही हूँ मैं इंतजार और इंतजार करते करते हस्बैंड जी भी सो गए हैं, बिना नींद आ गई है और मुझे टाइम मेरा काम हो गया था 7 बजे तक फिनिश, 7:30 बजे तक मैंने पूरा काम फिनिश कर लिया था किचन का, अपना खाना पीना बना लिया था और तब से अब तक चांद का इंतजार कर रही हूँ। टाइम 8:30 होने वाला है, देखिए 8:30 बजने वाले हैं और अभी तक चांद नजर नहीं आया। कई बार जाके देख लिया बाहर मैंने, हमारे यहाँ से ना जैसे बरामदा है ना तो यहाँ से बिल्कुल दिखाई दे जाता है चांद। हमें ना छत पे जाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती पूजा करने के लिए, मैं यहीं से कर लेती हूँ, चांद भी दिखाई दे जाता है यहाँ से बरामदे से ही। तो पर्दा मैंने इसलिए किया था ताकि कोई छत पे चढ़े अपने तो दिखाई ना दे हम पूजा करते हुए। देखिए अभी बिल्कुल चांद नहीं दिखाई दिया, कहीं तक निकला नहीं अभी चांद। टाइम हमारे यहाँ चांद का टाइम था 8:10 का निकलने का, पर 8:25 हो गया अभी तक तो निकला नहीं, दिखाई तक नहीं दे रहा चांद दूर तक भी, पता नहीं किस टाइम निकलेगा। भूख तो नहीं ज़्यादा लग रही पर प्यास लग रही है बहुत तेज, पानी पीने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और बस तो चांद निकल गया है और मैं अभी छत पे गई थी देखने के लिए तो काफी ऊपर आ रहा है चांद, वो सामने मतलब घर है ना तो उनके घर के पीछे था, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे तो काफी ऊपर आ रहा है। मैं भी चांद को अघ्र देने जा रही हूँ, कलश है तो मैं जा रही हूँ चांद को अघ्र देने, दिखाई दे गया ना। तो देखिए देखिए चांद चमक रहा है, कितना साफ चमक रहा है चांद। तो मैं यहाँ पे चांद को अघ्र देने आई हूँ छत पे और चंद्रदेव की पूजा करेंगे हम नीचे ही, वहां से दिखाई दे जाते हैं बरामदे से, लेकिन अघ्र मैं यहाँ दूंगी। और ये मेरी पूजा की थाली है, ये आटे का दिया बनाना चाहिए करवा चौथ पे तो मैंने आटे का दिया बनाया है ये, और चावल तिलक के लिए सिंदूर मिठाई है, ये जल ले लिया है व्रत खोलने के लिए और ये छलनी। तो ये मेरी पूजा की थाली है। देखिए अब हम बरामदे में से पूजा करेंगे चंद्रदेव की, यहाँ बरामदे में है हम, बरामदे में और यहाँ से देखिए चांद दिखाई दे रहा है, वो है वो चांद दिख रहा है वहाँ पे और यहाँ से करेंगे हम पूजा, कितना साफ दिखाई दे रहा है।
हर बार करवाओ, भूल कैसे गए? तो हमने खाना खा लिया है और तो आज का ये था हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन। हम लोग देखे दोनों बच्चे अभी तक नहीं सोए, 9:30 बज गए, 9:30 बज गए ये अभी तक नहीं सो रहे। और मैं भी करती हूँ चेंज और फिर सोते हैं, नींद आ रही है बहुत तेज, 4 बजे की उठ रही हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं आपसे कल को एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर, बाय, थैंक यू।